हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सॉरी, मैं ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बट लेट्स कंटिन्यू। आज हम अपने वीडियो में फ्रिल्स बनाना सीखेंगे। तो इस फ्रिल्स मेहंदी के डिज़ाइन में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे मेहंदी का लुक बहुत चेंज हो जाता है। मतलब आप किसी भी डिज़ाइन के बाहर अगर हल्का फ्रिल्स बना दो तो वो डिज़ाइन बहुत निखर के सामने आता है। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। बेस बना रही हूँ मैं, एक सीधा लाइन खींच रही हूँ। तो अब हम लोग इस लाइन के नीचे एक हल्का लाइन खींचेंगे क्योंकि हमको इतनी बड़ी फ्रिल्स बनानी है। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं है और लाइन नहीं खींचते हैं तो फ्रिल्स छोटी बड़ी बन सकती हैं, इसलिए एक लंबा लाइन खींच के फिर उस पर फ्रिल्स ज़रा इस तरह से बनाएं, ठीक है। तो अपने पहले की वीडियो में भी मैंने कहा है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है मेहंदी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लाइंस की प्रैक्टिस हो गई या फिर फ्रिल्स की प्रैक्टिस हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हो गया, ये सब हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। तो फिर से मैंने एक लाइन खींचा और फिर से इस पर मैं फ्रिल्स बनाऊँगी। देखिए, लाइट शेड में एक लाइन खींचा, अब वहाँ पर फ्रिल्स बनाई जा रही है। देखिए, सब एक साइज़ की बनेगी। ये लाइन खींच लेने से हमें एक मेज़रमेंट हो जाता है कि हाँ, हमें इतनी ही बड़ी बनानी है, ठीक है। शुरू में, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप इस लाइन खींच सकते हैं, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, एक सीधी लाइन पर फ्रिल्स बनाना इजी है, बट कर्व लाइन में थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। तो कर्व लाइन के नीचे भी सेम उस तरह से मैंने लाइन खींचा है और अब फिर मैं फ्रिल्स बना रही हूँ। देखिए, जब कर्व एरिया आता है ना, तो नीचे की तरफ जाते हुए हम लोग हल्का डिस्टेंस कम लेते हैं और फिर देखिए, अब फिर से थोड़ा छोटा बनने लगा। जहाँ पे कर्व एरिया आता है वहाँ फ्रिल्स हल्की छोटी हो जाती है। अब सर्कल्स में बनाते हैं। ऐसे मैंने स्पाइरली एक डिज़ाइन, इसका भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, एक डॉटेड लाइन लिया है, अब हमें इसी के अंदर फ्रिल्स बनानी है, ठीक है। कम से कम नहीं भी तो आप लोगों को सीधी लाइन की प्रैक्टिस और फ्रिल्स की प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 बार तो करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक मैंने डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन मैंने आप लोगों को अपने एडवांस मेहंदी की वीडियो में सिखाया है, एडवांस मेहंदी लाइनिंग में, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें इसके बाहर फ्रिल्स बनाना। देखिए, अभी कितना सिंपल लग रहा है ना, बट जब इसके बाद फ्रिल्स बना देंगे तो यही बहुत अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो इसमें भी सेम, मैं पहले डॉटेड लाइन से हम लोग शेप बना लेंगे कि हमें इतनी ही बड़ी फ्रिल्स बनानी है। इसी वीडियो में आगे मैं बताऊँगी, फ्रिल्स की भी साइज़ बताऊँगी, अभी बस फ्रिल्स का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, पहले कितनी सिंपल लग रही थी, बट फ्रिल्स बनाने के बाद देखिए खुद ही कितनी, मतलब निखर के आ गया ये डिज़ाइन पूरा। अब ऐसे ही किसी और शेप पे, ऐसे जितनी एडवांस मेहंदी लाइनिंग में जितने भी शेप्स आप लोगों ने सीखे हैं उन सब पे आप फ्रिल्स बना सकते हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। हर कर्व शेप में हो गया, स्पाइरल शेप में हो गया, हर शेप में फ्रिल्स बनाना सीख ले। जैसे लाइंस बनाते हैं हर शेप की, वैसे हर शेप की फ्रिल्स भी बनाना सीख ले। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी मेहंदी उतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। देखिए, इसमें मैंने बिना लाइन के बताया, जब आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो बिना लाइन के भी बराबर फ्रिल्स बनेंगे। अब आते हैं फ्रिल्स की साइज़ पर। देखिए, अलग अलग शेप में अलग अलग फ्रिल्स बनती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप लोग ब्राइड बना रहे हैं तो उस समय क्या होता है, उसका जब मांग टीका बनता है या फिर ज्वेलरीज बनाते हैं तो उसमें बहुत ही छोटी फ्रिल्स बनती है जो कि जीरो साइज़ की होती है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं जूम कर दूँगी तो आपको बड़ी लगेगी एक बार, बट जब मैं नॉर्मल साइज़ में लेके आऊँगी तो देखिएगा ये फ्रिल्स कितनी ज़्यादा ही छोटी हैं। तो जितना मिनिमम हो सके ये छोटी फ्रिल्स बनेगा, पर पहले लाइन खींच के फ्रिल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इस साइज़ के फ्रिल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा।
आई नंबर वन साइज़ की फ्रिल्स, इस साइज़ में लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों ने ये बनाया। अब ये कहाँ बनेगा, अगर हम लोग ब्राइड बना रहे हैं तो उसके दुपट्टे पर बनेगा, या फिर हम लोग कोई लाइन खींच रहे हैं तो उसके बॉर्डर पर बनेगा। सेकेंड नंबर फ्रिल्स, ये फ्लावर्स में बन सकते हैं, मतलब इसके पास सारे फ्रिल्स सब जगह बनते हैं, पर वो जो ज़ीरो नंबर वाली फ्रिल्स है वो सिर्फ दुल्हन के मांग टीका पर या फिर ज्वेलरीज पर, ब्राइड या फिर ग्रूम में बनती है बस। ये सेकेंड नंबर फ्रिल्स के दो टाइप्स हैं, एक जो वन नंबर फ्रिल्स है उससे लेंथ में बड़ा हो, और दूसरा कि उसकी हल्की सी ब्रेथ बड़ी हो। देखिए फर्स्ट वाला लेंथ में हल्का इंक्रीज़ है, और इसकी देखिए चौड़ाई बड़ी होगी हल्की, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर फ्रिल्स हुई। अब हम लोग आएंगे थर्ड नंबर के फ्रिल्स पर, ठीक है। थर्ड नंबर फ्रिल्स फर्स्ट और सेकेंड नंबर के फ्रिल्स से हल्की बड़ी होगी, और ये लास्ट है। इससे ज़्यादा बड़ी फ्रिल्स फिर वो डिज़ाइन में काउंट हो जाएगी, फ्रिल्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो थर्ड नंबर की फ्रिल्स देखिए अब इस तरह से। तो हर साइज़ के फ्रिल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, बट पहले फ्रिल्स की प्रैक्टिस करनी है, साइज़ की नहीं, ठीक है। साइज़ की प्रैक्टिस बाद में। अब हम लोग देखेंगे डबल फ्रिल्स। तो डबल फ्रिल्स क्या होते हैं, फ्रिल्स के नीचे फिर बिना लाइन के आपको फ्रिल्स बनानी है, ठीक है। तो मेनली हम लोग छोटे फ्लावर्स बनाने में करते हैं, या फिर हम लोग अगर फिलर एलिमेंट्स बना रहे हैं, जो कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि फिलर एलिमेंट्स क्या होती हैं, तो उसमें हम लोग डबल फ्रिल्स बनाते हैं, या फिर ट्रिपल फ्रिल्स भी बनाते हैं, मतलब फ्रिल्स के बाद फिर फ्रिल्स, उसके बाद फिर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले बेस बनाने के बाद एक सर्कल डॉटेड ले लेंगे, उसमें फ्रिल्स बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले सर्कल को भी डॉटेड करेंगे, फिर उसमें फ्रिल्स बनाएंगे। इससे क्या होती है, एक साइज़ की फ्रिल्स बनती है। देखिए अभी यहाँ लाइन पर भी मैं बना रही हूँ, एक मैंने चौड़ी लाइन दी है, उसके बाद एक पतली सी लाइन खींची है। चौड़ी लाइन पर कभी डायरेक्ट फ्रिल्स नहीं बनाते, ठीक है। तो एक पतली लाइन खींची है, फिर उस पर मैं फ्रिल्स बना रही हूँ, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल बनाया था उसमें मैंने ज़ीरो और वन साइज़ की फ्रिल्स बनाई है, और ये जो लाइन है इसमें मैंने वन और थ्री साइज़ की, थर्ड साइज़ की फ्रिल बनाई है, ठीक है। तो देखिए समझ आया। इसके बाद बस मैं जनरली आप लोगों को कर्व पे फ्रिल्स बनाना बता रही हूँ, मतलब आपका खुद का मन, आप जैसे प्रैक्टिस करें, जिस लाइन पे फ्रिल्स प्रैक्टिस करें, आपका हाथ उतना अच्छा होते जाएगा मेहंदी लगाने में, ठीक है। मुझे डबल फ्रिल्स बनानी है। देखिए पहले मैं नीचे साइड से बना रही हूँ, ठीक है। ये साइड कंप्लीट होने के बाद मैं ऊपर वाली साइड भी फ्रिल्स बनाऊँगी, ताकि मेरे हाथ का जो बैलेंस है वो बना रहे, हर डायरेक्शन में बन जाए, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को जो मेहंदी सीखने में इंटरेस्टेड है, उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर मुझसे होगा तो मैं कोशिश करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, मेहंदी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, और लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो जो सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैंने पहले भी अपने पूरी डिटेल्स मेहंदी कोर्स की वीडियो दी हुई है। आई नो कि मैंने बहुत लेट अपलोड किया है, बट ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर अपडेट करती रहूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू ऑल, स्टे कनेक्टेड।